चैनल, मेरा नाम है अमृतला और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर्स जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा हमें पता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, कुछ विटामिन्स जिसको कि हम ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो फिजिकल कंडीशंस होती है जैसे कि टेम्परेचर और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीएच या लाइट, ये भी बहुत नेसेसरी होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं डिटेल में कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर सबसे पहला फिजिकल पैरामीटर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के जो ग्रोथ होती है उसके रेट को अफेक्ट करता है या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस कहता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि फेवरेबल टेम्परेचर जिसपे कि वो इजिली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे उनकी ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, बेस्ड ऑन कि किस टेम्परेचर पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है साइक्रोफिल। साइक्रोफिल्स जो होते हैं वो कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे इजिली सर्वाइव कर जाते हैं और ये आइसोलेट होते हैं मेनली आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक हैबिटेट से, क्योंकि जो 90% है वो आपका वाटर है। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं आपके साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और रिमेनिंग जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है जब ठंड होती है। अगर टेम्परेचर आपकी 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डिस्ट्रप्ट हो जाती है। आपके जो साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास विब्रियो। सेकेंड ग्रुप है आपका मीजोफिल्स, ये आपके बेसिकली ग्रो करते हैं 20 से 45 डिग्री सेल्सियस पे और जितने भी लगभग ह्यूमन पैथोजेंस हैं वो आपके मीजोफाइल्स होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल है आपका एक साइनोबैक्टेरी जिसके अंदर आते हैं आपके नॉस्टॉक, अनाबेनी, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। थर्ड है आपकी थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो आपको हीट लविंग होते हैं, ये आपके ग्रो करते हैं 45 से 65 डिग्री सेल्सियस पे और ये जो होते हैं हीट स्टेबल इंजाइम्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो होते हैं हीट स्टेबल इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम होता है वो आपकी हाई टेम्परेचर पे प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया थर्मस एक्वाटिकस। फोर्थ ग्रुप है आपका हाइपर थर्मोफाइल्स, ये आपके 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे इजिली सर्वाइव कर जाते हैं और ये आपके सी फ्लोर के जो हॉट एरियाज होते हैं वहां पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया पायरोकोकस एबिसी। अब है सेकंड जो फिजिकल पैरामीटर है वो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। सारे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन अपने ग्रोथ के लिए रिक्वायर करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उनको अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एरोबिक बैक्टीरिया या ऑब्लिगेट एंड एरोब्स, ठीक है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसका एग्जाम्पल हो गया सीडोमोनास। सेकेंड है आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया जिनको कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ग्रोथ के लिए और एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। थर्ड है आपका फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी ग्रो करते हैं और एब्सेंस में भी ग्रो करते हैं जैसे कि ईस्ट। और फोर्थ ग्रुप है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, इनको ऑक्सीजन की बहुत कम जरूरत पड़ती है, मतलब लो लेवल ऑक्सीजन पे ये इजीली सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो इनके लिए टॉक्सिक हो जाता है और ये इनकी डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल हो गया कैम्फिलोबैक्टर। थर्ड पैरामीटर है पीएच। पीएच जो है बेसिकली आपका नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। माइक्रोबियल ग्रोथ और उनकी एक्टिविटी काफी अफेक्टेड होती है आपकी पीएच से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको
फ्रिक्वेंटली अपना पीएच चेंज कर लेते हैं कैसे, तो वो एसिडिक और बेसिक मेटाबोलाइट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके वो अपने बॉडी के पीएच को चेंज कर लेते हैं। जो फर्मेंटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, जबकि कीमोलिथोट्रॉप्स जैसे कि थायोबैसिलस आपको सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि अपने एनवायरमेंट को मोर अल्कलाइन बनाते हैं अमोनिया जनरेट करके थ्रू एमिनो एसिड डिग्रेडेशन के। बेस्ड ऑन पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एसिडोफाइल जो कि आपको पीएच 0 से और 0.5 पे सर्वाइव कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है पिक्रोपाइलस। सेकेंड है आपका न्यूट्रोफाइल जो कि आपको पीएच 5.5 से 8.0 तक सर्वाइव करते हैं, और थर्ड है आपका एल्कलोफाइल जो कि आपको पीएच 8.5 से 11.5 तक सर्वाइव करते हैं, और इसका एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टीरिया। फोर्थ है आपका लाइट। लाइट जो बहुत सारे फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत पड़ती है या लैम्प की जरूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिससे कि वो अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। फिफ्थ पैरामीटर है आपका सॉल्ट कंसेंट्रेशन और वाटर एक्टिविटी, इसको हम ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। बेस्ड अपॉन इस फैक्टर पे माइक्रोब्स को आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हैलोफाइल जिसको कि हाई लेवल ऑफ सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए, इसका एग्जाम्पल है हैलोबैक्टीरियम। और सेकेंड है आपको ऑस्मोफाइल जो कि आपको वाटर एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है उसको अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे हो गया स्टिफेलोकोकस ऑरियस। तो इस तरह से देखा कि हमने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट कंसेंट्रेशन, लाइट की उन्हें जरूरत पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए, और उसके बेसिस पे उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका फिजिकल पैरामीटर्स जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। Thank you for watching.